Pakistan! 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 भूखा गया है वो ननकाना साहब में गुरुद्वारे के ग्रंथी जी की सपुत्री को जबरदस्त उठाकर लेके गए और उसका धर्म परिवर्तन किया और उससे निकाह किया, जो कि एक बहुत ही निंदनीय बात है। हम आज कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के नाम से जो एक ज्ञापन देने आए हैं, जल्दी से जल्दी उस लड़की को वापस वहाँ से दिलाएँ, ताकि नहीं किया गया इस कार्य को जल्दी से जल्दी, तो सिख समाज में बहुत रोष है। हम पूरे भारतवर्ष के अंदर इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। प्रधानमंत्री जी को निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करें और योगेंद्र सिंह दुआ गुरुद्वारा हाथी बाटा अजमेर। संबंध खराब चल रहे हैं और पाकिस्तान जिस तरह से धर्मांतरण कर रहा है, वहाँ पर हिंदुओं पर सिखों पर अत्याचार कर रहा है, हिंदुओं में भी वहाँ पंजाबी कौम के बहुत सबसे ज़्यादा पंजाबी कौम हैं, हमारे सारे भाई बंद वहाँ हैं, जो पाकिस्तान जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो कुछ लोग वहाँ रह गए और आज भी वहाँ शेड्यूल कास्ट जो हैं वो लोग वहाँ पे हैं, उनके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है। वो सफाई का काम करते हैं लाहौर में, इस तरह से जो लोग भी पाकिस्तान में बसे हैं उन सब पे पाकिस्तान एक तो धर्मांतरण के लिए उनको प्रेरित कर रहा है और एक उसके साथ ही जबरन जो है मतलब मारपीट करके और इस्लाम कबूल करवाना, दूसरा उनको ना तो उनके वाजिब पैसे, उनकी जायदादों पे कब्जा करना, मंदिरों को तोड़ना। वहाँ पर अभी बीच में ग्रंथी जी की पुत्री को जो है वो ले गए और उसका विवाह बिना वजह उसकी बिना मर्जी के निकाह करा दिया। निकाह कराने के बाद उन्होंने उसको जो है उसका धर्मांतरण करा के उसको मुसलमान बना दिया। ये सारी जो बातें सारी आ रही हैं विश्व के स्तर पर, आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरिए कलेक्टर ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के साथ जो भी हिंदुस्तानी वहाँ रह रहे हैं उनके साथ एक मानवीयता का व्यवहार हो, अमानवीयता का व्यवहार नहीं हो। अगर वो अमानवीयता का व्यवहार कर रहे हैं तो इसके लिए हिंदुस्तान को अपने राजनीतिक कूटनीतिक सारे संबंध उनसे ख़त्म कर लेने चाहिए और इस मुद्दे को यूएनओ में उठाना चाहिए कि यूएनओ में जो मानवीय पक्ष का जो मानव परिषद है उस मानवीय पक्ष में ये मुद्दा उठे कि वहाँ जो रहने वाले 27 लाख हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं कौम हमारे भारतीय जो हैं उन सबको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे, उन सबको वहाँ पर जो है एक मानवीय अधिकारों मानवीय मूल्यों के तहत अधिकार मिले और भारत सरकार इस विषय पर बहुत संगीन और बहुत सजग है। आज हमने राजस्थान पंजाबी महासभा सिख यूथ फेडरेशन और हमारे सारे बुजुर्ग आदरणीय सिख भाइयों ने हमारे सब साथ मिलकर अजमेर का पंजाबी समाज जिसको हम कह सकते हैं हमने मिलकर के ये इसका प्रोटेस्ट किया है और इस प्रोटेस्ट के तहत आज हम नरेंद्र मोदी जी से अपनी अपील पेश करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे कि ये जो है पाकिस्तान सरकार से बात करके सिखों पे और पंजाबी हिंदुओं पे और दूसरी कौमों पे जो वहाँ जुल्म हो रहे हैं जो पाकिस्तानी नहीं है मूल रूप से उनको संरक्षण प्रदान करें।